अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने दीबा और पड़ोसी दादाजी, उसी के साथ राहिल और दादी अम्मा की जिम्मेदारी और एहसास के वाक्यात देखे। हम तमाम के घरों में, रिश्तेदारों में, गली में, मोहल्ले में ज़ईफ़ इंसान यानी बूढ़े इंसान रहते हैं। वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते, लाड़ प्यार करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के को के साथ खाना खाते हैं, बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। वो हमारी तरह दौड़ भाग नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़ईफ़ होते हैं। वो बच्चे और जवानों की तरह भाग दौड़ के काम, मेहनत के काम नहीं कर सकते। जैसे दुकान से दवा लाकर देना, दुकान से सामान लाकर देना, ऊंची रखी हुई चीज़ें निकाल कर देना, सुई में धागा परोना, ये छोटे छोटे काम होते हैं, मगर वो उनसे नहीं हो सकते। ये सब काम करने के लिए उन्हें दूसरों की मदद लेनी होती है। अगर ये कामों में हम उनकी मदद कर दें तो उन्हें बहुत खुशी होती है। उसी के साथ बुलंद आवाज़ में घर में टीवी या गाने बजाने से भी उनको बेचैनी महसूस होती है, उनको तकलीफ़ होती है। बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से ज़ईफ़ इंसानों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे उन्हें तकलीफ़ होती है। ऐसे वक्त में हमें आवाज़ कम करके गाना या टीवी या मोबाइल देखना चाहिए। उसी के साथ मौसम बदलने पर भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि अपने घरों के ज़ईफ़ लोगों की ज़रूरतों को समझें। जैसे मौसम के हिसाब से उन्हें खाना देना, मौसम के हिसाब से उन्हें कपड़े देना वगैरह। अक्सर औकात दादा और दादी जान दिन भर घर पर रहते हैं, अपने बच्चे और पोता पोती पोतियों से बात करना ही इनका वाहिद मशगला होता है। इनके पोता पोती, नवासा नवासी स्कूल जाकर क्या करते हैं, ये जानने के लिए वो दिन भर बेचैन रहते हैं। जैसे ही अपने पोता पोती, नवासा नवासी या घर के बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो ये उनसे सवालात करना शुरू कर देते कि बेटे आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या खेला, कौन कौन सी सरगर्मियाँ की। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने दादा दादी की सवालात के जवाब बखूबी और खुशी के साथ दें ताकि उन्हें मसरत मिले। ऐसे वक्त में हम इनसे मोहब्बत से बातें करें तो उन्हें खुशी मिलती है और हमारी भी जिम्मेदारी पूरी होती है। जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम सबकी ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके लिए हमें उसे डॉक्टर के मशवरे से इलाज करना चाहिए और उसकी देखभाल करना चाहिए। मामूली तकलीफ़ हो तो इब्तदाई तिब्बी मदद देकर मरीज़ को इब्तदाई मरकज़ ले जाए और ज़्यादा तकलीफ़ होए तो फिर दवाखाना ले जाना चाहिए, ना कि किसी गुंडे, तावीज़, झाड़फूँक या तंत्र मंत्र वगैरह पर इंहसार ना करना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में लोग छोटी छोटी बीमारियों या सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़ों के काटने पर उसका इलाज झाड़फूँक वाले तंत्र मंत्र या किसी फकीर से कराते थे। इसका इलाज डॉक्टर से ही कराना चाहिए। डॉक्टर के मशवरे से ही मरीज़ को कब दवा देना है, कौन कौन सी दवा किस वक्त देना है, मरीज़ को कब नहलाना है, मरीज़ को कौन कौन सा खाना देना है, ये सब डॉक्टर के मशवरे से ही करना चाहिए। मरीज़ के तहत हमारी जिम्मेदारी ये है कि मरीज़ को कब मिलना चाहिए, मरीज़ से बेवजह बातें ना करें, मरीज़ बेहतर महसूस करे जब ही डॉक्टर के मशवरे से उसकी छुट्टी लेना चाहिए। कोई भी बीमारी का इलाज डॉक्टर से ही करना चाहिए।